सुंदर वातावरण और आप संतों महात्माओं की उपस्थिति में ये सुंदर सा रूप यहाँ पर बनाया हुआ है और ऐसे ही वातावरण का दास को भी ये अवसर मिला है कि आपके आशीर्वाद आपकी चरण धूलि प्राप्त की जाए। विशेष कृपा आज हमारे सत्कार योग विधायिका मैडम जी ने की है, इनके साथ जितने भी आए और सज्जन गण आए हैं, जैसे मुखी साहब जी ने, सुरेश जी ने, हृदय सत्कार आप सभी संतों का किया है। हर साल की तरह सत्संग जी ये ब्रांच इसी प्रकार से समागम के रूप में ये रहमतें प्राप्त करते हैं। और सही वास्तव में सत्संग जी मनुष्य के रूप में जब भी आत्मा संसार में आती है तो इसे परमात्मा को जानने का अधिकार होता है। परमात्मा को जान करके ही ये जीवात्मा जो इस पांच तत्व भौतिक शरीर के अंदर है, ये हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से बच सकती है। परंतु प्रभु को जान करके ही, इसलिए महात्माओं ने भी इसका कई बार जिक्र किया, चाहे हम सत्संग जी वेदों का सहारा ले लें तो उसमें भी महात्माओं ने इसका बहुत ही कि ये परमात्मा हमें ऐसे नहीं मिल सकता। मुंडकोपनिषद में आता है, ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, कि वी कैनॉट रियलाइज दिस गॉड बाय लिसनिंग एट ऑल। कोई कितना बोलता रहे, दूसरे खंड का तीसरा मंत्र है ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, ये परमात्मा को प्रवचन के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, न मेधा और न बुद्धि से कोई प्राप्त कर सकता है, न बहुना सुरतेन, कोई सुबह से शाम तक सारी उम्र महात्माओं के वचनों को सुनता रहे और कहे मुझे रब मिल गया तो सत्संग जी वेद शास्त्र इसका खंडन करते हैं, न बहुना सुरतेन। फिर अगली लाइन में मंत्र में ये कैसे मिलेगा, यम एष एव वृणुते, जिसको जिस घट को एष माने इसने परमात्मा ने वृणुते चुना है। सच्चे मन से और लगन से सच्चे मन से और लगन से जो सतगुरु को ध्याएगा, कहे हर देव वही जन जग में चार पदार्थ पाएगा। शासन गीत प्रबंध, मेरी जिंदगी देखता ओ मेरी जिंदगी देखता उपकार सतगुरु, ओ मेरी जिंदगी देखता उपकार सतगुरु, देता सच वाला मैनू है सच वाला मैनू है ज्ञान सतगुरु, ओ मेरी जिंदगी देखता उपकार सतगुरु, सच वाला मैनू ओ मेरी।
घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करता सभी सागर से महाराज साकार तो जग के पालंत महादेवी भला करो सबका।